700 का आंकड़ा जरूर पार होगा और इस बार विपक्ष और विपक्ष में खास तौर पर कांग्रेस, क्योंकि राजद के बारे में कहने का मतलब नहीं, अब ऑल टाइम लो पे क्या ही जाएगी, ऑलरेडी जीरो पर है, अब उससे नीचे तो लोग क्या ही जाएंगे, बट कांग्रेस को आप देखिएगा, कांग्रेस ऑल टाइम लो पर इस बार जाएगी। अरे तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं, नीतीश कुमार 2005 के रुतबा में है, जंगल राज को आने नहीं देता था, मैं आसमान का भार ले रखा हूँ, यही आरजेडी के नेता की टहिया की तरह हो वोट मिल रहा साइलेंट, जिसका पता लालू जी को भी नहीं है, 95 का याद कर। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में पांचवें चरण का चुनाव होना है, मगर एक तरफ INDIA का कुनबा है तो दूसरी तरफ NDA का। पटना में रोड शो करने के बाद PM मोदी ने अपना दम दिखाया, अब ऐसे में तेजस्वी यादव जॉब शो की बात कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पटना में भव्य रोड शो किया, खूब लोगों की भीड़ नज़र आई, देर रात तक जो है ये रोड शो चला। तेजस्वी यादव मंच से PM के इस रोड शो पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है, मैं जॉब शो करूंगा। वहीं कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिहार नहीं आ रहे हैं, एक मंच पर INDIA के नेता नहीं आ रहे हैं नज़र, ऐसे में चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव और INDIA नेताओं को रगड़ दिया है। देखिए, पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे JP नड्डा ने भी हाथ जोड़ कर जो है सीधे सीधे कहा सब कुछ अच्छा है। देखिए, JP नड्डा कल देर रात पटना आए थे, बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी के जो अंतिम यात्रा थी उसमें शामिल होने के लिए, और ऐसे में JP नड्डा पटना एयरपोर्ट से अन्य जनसभाओं को संबोधित करने के लिए जो है निकले हैं। साथ में BJP के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी मौजूद थे, चिराग पासवान मौजूद थे, साथ ही BJP के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह मौजूद थे और जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा मौजूद थे। तमाम नेताओं का गुस्सा तेजस्वी यादव पर फूट पड़ा है, किस तरीके से तेजस्वी यादव पर गिरिराज सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव झूठा के सरदार है, क्या कुछ कह रहे हैं जरा इस वीडियो में सुनिए। मतलब उनको इस बात का एहसास है ना कि बिना हमारे मुख्यमंत्री के ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी जी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि कितने असमर्थ हैं, कितने कमज़ोर हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना। आज जब वो उनके साथ गठबंधन में नहीं भी है तब भी उनके नाम का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाकर ये अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। गया वो ज़माना जब बिहार के लोगों को इस तरीके से बहला फुसला कर ये लोग उलझा लेते थे। आज की तारीख में बिहार की जनता इतनी जागरूक है, इतनी जानकार है कि वो आपकी मंशा को भली भांति भाग सकती है। जनता जानती है कि कितना मजबूत हम लोग का NDA गठबंधन है, जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कैसे पूरा NDA हम लोग एक साथ, हम लोग प्रचार में हम लोग उतरे हुए हैं। वहीं इंडिया अलायंस के इन लोगों के गठबंधन में बता दीजिए एकता कहाँ है। बिहार में आज पांचवें चरण का चुनाव अब करीब है, पांचवा चरण होने को आया है, एक मंच मुझे बता दीजिए जो भव्य तरीके से बिहार में तैयार हुआ हो, जहाँ पे इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल एक साथ दिखाई दिए हों। इनके तो चुनाव प्रचार में भी महज 1-1.5 पार्टी ही प्रचार कर रही है, कांग्रेस के शीर्ष नेता को बिहार से कोई लेना देना नहीं है, जो गांधी परिवार है उनको बिहार की कोई चिंता नहीं है, एक बार आकर खाना पूर्ति कर चले गए। वही हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, लगभग हर चरण में आकर और तो और पटना में रोड शो तक हमारे प्रधानमंत्री करके गए हैं। हमारे गठबंधन की एकता हमारी ताकत है और ये बिखरा हुआ विपक्ष ही इन लोगों को ऐसे बयान देने के लिए मजबूर करता है। चार सौ का आंकड़ा जरूर पार होगा और इस बार विपक्ष में खास तौर पर कांग्रेस, क्योंकि राजद के बारे में कहने का मतलब नहीं, अब ऑल टाइम लो पे क्या ही जाएगी,
ऑलरेडी जीरो पर हैं, तो उससे नीचे तो लोग क्या ही जाएंगे। बट कांग्रेस को आप देखिएगा, कांग्रेस ऑल टाइम लो पर इस बार जाएगी। अब इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के बारे में बोलना, प्रधानमंत्री 4 मीटिंग करते हैं, प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, प्रधानमंत्री पूरा देश घूमते हैं, तो स्वाभाविक है। और जो ये कह रही है वो लोग कन्फाइंड कर गए हैं रायबरेली अमेठी तक, उनका जो प्रचार है वो नहीं संभल रहा है। उनके पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह सब वहाँ कैंप कर रहे हैं, पूरा कांग्रेस का चुनाव चला गया है रायबरेली तक। देश में और कहीं कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, सारा चुनाव सारे लोग चले गए हैं रायबरेली। अरे तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं, नीतीश कुमार 2005 के रुतबा में है, जंगल राज को आने नहीं। देखिए तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, उनके साथ कोई वोट नहीं है। इधर हमारे साथ हमारे नेता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं, कुशवाहा, कुर्मी, अति पिछड़े सब बीजेपी के साथ है। इसीलिए मैं आसमान का भार ले रखा हूँ, यही आरजेडी के नेता टिटहिया की तरह। जनता उनके साथ नहीं है, उनके पास गरीबों का साथ नहीं है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कारण बिहार में सभी पिछड़े इंक्लूडिंग कोयरी, कुर्मी, निषाद का बहुमत मिल रहा है और गरीबों का आशीर्वाद रूपी हो वोट मिल रहा है साइलेंट, जिसका पता लालू जी को भी नहीं है। 95 का याद कर। अच्छा, प्रधानमंत्री के रोड शो पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो रोड शो करेगा, एयर शो हम करेंगे, जॉब शो कैसे देंगे? घड़ी घंट झूठा का सरदार, जिसने 5 विभाग लेकर के ये झूठा एक नौकरी नहीं दिया, आज वो झूठा कह रहा है कि मैं जॉब में शो करूंगा। जंगल शो कर सकता है, अपहरण का शो कर सकते हैं, लेकिन जॉब शो उनमें 5 विभाग का मंत्री रह करके बताए कितने नौकरी दी। हाँ, क्योंकि फिर से जंगल राज आएगा, नहीं तो उनको तो हाईजैक ही दिखाई देगा। नीतीश कुमार फिर से 2006 की स्थिति में आ गए। अब हो गया मैं महिलाओं पर कोई कटाक्ष नहीं करता, बस मैं इतना ही कहूँगा, प्रियंका गांधी की एक ही खासियत है, रानी के पेट से पैदा ली है और वो गरीब के बेटा हैं, पिछड़ों के बेटा हैं, बर्तन मांजने वाली के बेटा हैं, वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, जब वोट ही नहीं रहेगा तो ये लोग भागेंगे, चुनाव खत्म होते होते बोरिया बिस्तर बांध लेंगे, इनको भारत से कोई प्रेम नहीं। तो आपने सुना है गिरिराज सिंह का खूब गुस्सा फूट पड़ा है और बड़ा बयान गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर दे दिया है। चिराग पासवान ने भी कहा है कि तेजस्वी यादव को सहारा नीतीश कुमार का लेना पड़ रहा है, उनको जॉब दिए गए नौकरियों के बारे में बताया जा रहा है, जो जॉब शो की वो बात कर रहे हैं वो नीतीश कुमार ने दिया है। अब आने वाले दिनों में देखना है किस तरीके से बिहार की सियासत गर्म होती है। इस खबर में बस इतना ही, अगर आपने अब तक लाइव चिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव चिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।